आज बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान साहब हैं। सर से बात करूंगा। सर, काफ़ी ज़ोरदार हंगामा हुआ, नीतीश कुमार काफ़ी भड़के नजर आए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया देख लेंगे, तुम ताम की भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले मैं इस पर आना चाहूँगा, उसके बाद शराबबंदी। भारतीय जनता पार्टी को और उनके आचरण को पूरे बिहार में और सदन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन समझता है? वो माननीय मुख्यमंत्री समझते हैं। तो वो जो कुछ कह रहे थे, जो प्रश्न उठा रहे थे, तो उसी प्रश्न के पक्ष में पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में शपथ ले रहे थे। तो शपथ लेते वक्त उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो हल्की सी डांट लगाई उनको, और ज़ोर से डांटना चाहिए था। मतलब और ज़ोर से डांटना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने कहा देख लेंगे। ज़रूर डांटना चाहिए था, समझाना चाहिए था। मोस्ट एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं, उनको डांटना चाहिए था कि तुम पहले अपने गृहबान में झांक करके देखो और तुमको तब पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अब इसका विरोध कर रही है। शराबबंदी जब कानून पास किया गया था, लाया गया था, तब उस वक्त बीजेपी भी साथ थी, लेकिन अब जो है वो इस शराबबंदी कानून का विरोध कर रही है, कह रही है इससे मौतें हो रही है, लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। कम से कम जो लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, कम से कम अगर ब्रांडेड शराब पियेंगे तो शायद उनकी मौतें रुक जाएंगी। मतलब यही बात है ना कि कानून की धज्जियाँ चाहते हैं कि उड़ा दी जाए और शराब के जो नुकसान हैं वो लोगों को महसूस हो। आप वर्ल्ड हेल्थ का कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिएगा तो शराब से नुकसान होता है। उस नुकसान के बारे में, हाँ ठीक है, उस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने में हर समाज में टाइम लगता है अगर आदतें हो जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बेहद सही काम किया, शपथ लोगों ने लिया, हम सब लोगों ने लिया है, ये नाफिज है और नाफिज ही रहेगा, ये अच्छा काम है। लेकिन ये तू तड़ाक की जो भाषा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक सदन के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री अगर तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करें, देख लेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करें, तो सवाल उठते हैं। बात यह है कि मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी ऐसे ही जवाब देना चाहिए। उनका शीर्ष नेतृत्व भी जैसे जैसे अनर्गल बयान दे चुका है अपने पीछे, क्या क्या टॉप लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप के बारे में कितने घटिया जुमले का इस्तेमाल कर चुका, हम लोग को याद नहीं है क्या? तो यहाँ मेरे पास कांग्रेस और मेरा ब्रीफ है, वो जवाब आपको मिल गया। लेकिन आप उनके साथ सरकार में हैं, साथ में हैं, घर में भी कभी कभी नोकझोंक होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का मतलब थोड़े होता है कि तलाक हो गया, बिल्कुल नहीं, साथ में है, लेकिन इंडिविजुअल अपनी बात कह सकते। छपरा में मौत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? लगातार मौतें हो रही हैं, गोपालगंज में मौत हुई, इससे पहले कई सारी मौतें। मानवीय अंदाज में मुझे बहुत ही तकलीफ होती है, मरने वाले बहुत गरीब होते हैं, परेशानी इस बात की होती है कि उस गुर्बत को कुछ मिलता नहीं है। तो यह आदत छोड़ें, और छोड़वाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने कहा, सभी लोगों का, कि शराब के खिलाफ हम तो 1,00,000 रुपया देना चाहते हैं जो लोग शराब के धंधे में हैं, जो गरीब लोग हैं, ताकि दूसरे रोजगार शुरू करें। तो ये भी उन्होंने कहा, इसके बारे में कोई हाईलाइट नहीं करता कि 1,00,000 रुपया उस परिवार को देना चाहते हैं जो कोई रोजगार इसका स्थापित करें। इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं, हम लोग सब गाँव में देखते हैं 25, 50, 100, 200 की शराब बेच करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसको इस व्यवसाय से अलग होकर के व्यवसाय करना चाहिए, तो ये भी कहा है। एक अंतिम सवाल लूँगा। कल जनगण मन पर अबिदुर रहमान साहब जो हैं वो खड़े नहीं हुए, इसे लेकर गलत मैसेज जा रहा है, और कांग्रेस के विधायक हैं उनका इस तरीके से जो राष्ट्रगान है उसमें खड़े ना होना, ये क्या? प्रथम दृष्टया में मेरे सामने भाजपा के मेरे मित्र सब थे, तो उन्होंने मेरे तरफ इशारा किया, तो मैंने नीचे देखा तो अबिदुर रहमान साहब थे, यही फैक्ट है। तो हमने जब हम बैठ गए, हमने कहा अबिद भाई आप खड़े नहीं होते, बोले कि जैसे ही हम खड़े हुए तो मेरे पैर में झुनझुनी तशकिल आए। मैं 3 पुश से कांग्रेसी हूँ और राष्ट्रभक्त और हूँ, तो ये तो कभी हुआ नहीं, कोई फुटेज दिखा दे, जैसे ही किसी के पैर में झुनझुनी होता तो इमीडिएटली उसको वो बैठ गए। फिर इनका आरोप है कि अगर उनके पैर में तकलीफ थी तो शोक में क्यों, उस वक्त तक वो ठीक हो सकता है? ये तो एक मेडिकल है बात, इससे आप किसी की इंटीग्रिटी पर चैलेंज करेंगे? याद करें, ट्राई कलर के खिलाफ राइटिंग में ऑब्जर्वर में 1948 में लिखा हुआ है कि ट्राई कलर इस देश के लिए अशुभ है। जवाब दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? उस ट्राई कलर के 52 साल तक अपने आप फहरा नहीं झंडा तिरंगा। तो ये बेशर्मों को शर्म दिलाने के लिए मेरे जैसे इतिहासकार के पास आ जाए, मैं इतिहास बता दूंगा उनका। बहरहाल, तो देखा आपने कि शकील अहमद साहब ने कई सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराब बंदी को लेकर जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ,
वो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए और उन्हें जो जिस तरीके से नीतीश कुमार जानते हैं उन्हें डपटने की जो ज़रूरत थी इसके लिए उन्होंने जो है बीजेपी के नेताओं को लताड़ लगाई है। हालांकि उन्होंने इस शब्द पर देख लेंगे जैसे शब्दों पर नीतीश कुमार के भड़कने पर का उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि उन्हें इस तरीके से बात करनी चाहिए थी, उन्हें समझाने की ज़रूरत थी। सहयोगी अमन के साथ।